जैकी चैन की बेटी एटा एनजी का दावा है कि वह होममिल है और उसे होमफोबिक माता पिता। 18 वर्षीय एनजी का दावा है कि वह और उसकी प्रेमिका हांगकांग में लगभग एक महीने तक बेघर रही हैं। जैकी चैन की बेटी एटा एनजी ने दावा किया है कि वह बेघर है और उसके होमफोबिक माता पिता को दोष देना है। कनाडा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंडी शरद ऋतु के साथ एक भावनात्मक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके पास एक महीने तक रहने के लिए स्थायी स्थान नहीं है। 18 वर्षीय जिन्होंने पहले कहा था कि वह चैन को अपने पिता के रूप में नहीं देखती हैं, यहां तक कि दावा करते हैं कि उन्हें हांगकांग में एक पुल के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरद ऋतु का कहना है कि उनके सभी दोस्तों ने उन्हें बेघर आश्रयों की ओर निर्देशित किया है, लेकिन अगर वे मदद के लिए वहां जाते हैं तो उन्हें विभाजित किया जा सकता है। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक समलैंगिकता हांगकांग में कानूनी है, लेकिन समलैंगिक विवाह नहीं है और उनकी रक्षा के लिए कोई भेदभाव कानून नहीं है। एनजी कहते हैं, मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम पुलिस के पास गए हैं, हम अस्पतालों, खाद्य बैंकों, LGBTQ समुदाय आश्रयों में गए हैं। कृपया अगर आप लोगों को साझा और पोस्टर दिखा सकते हैं कि दो लोगों को प्यार में अलग किया जा रहा है तो वे अलग हो रहे हैं और वे हमें एफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ लोगों को यह बताना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी यह हास्यास्पद लगता है कि कोई भी मदद नहीं कर सकता। एनजी, जो अपने पिता के साथ विचलित होने की सूचना दी गई है, खुद की एक इंस्टाग्राम तस्वीर और 30 वर्षीय शरद ऋतु में एक समलैंगिक के रूप में बाहर आया। उन्होंने लिखा, इन सभी वर्षों की नकारात्मकता के बाद, शर्म में रहने और दुनिया से डरने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह स्वीकार करना आसान है कि मुझे प्यार करने या प्यार करने का कभी मतलब नहीं है, विशेष रूप से एक सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील समाज में एक समलैंगिक के रूप में। मैं अपने परिवार को छुपा, चुप रहना, बैठना और व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे मुझे अपने पूरे जीवन का निर्देश दिया गया है, उसने अपने साथी के बारे में लिखा। लेकिन फिर आप साथ आए और मुझे गलत साबित कर दिया। मैं खुश होने, प्यार करने और प्यार करने के योग्य था। जब उनकी बेटी की समलैंगिकता के बारे में पूछा गया तो चैन ने कहा है, अगर उसे यह पसंद है तो यह ठीक है। एनजी चैन और साथी अभिनेता एलेन एनजी का बच्चा है, जिसकी 1998 में उनके साथ विवाहेतर संबंध था। एक्सप्रेस ने बताया, वे एक साल बाद पैदा हुए समय तक विभाजित हो गए थे और चैन ने कबूल किया था कि उन्होंने केवल एक गलती की है कि दुनिया में हर एक आदमी काम करता है। सूर्या ऑनलाइन ने टिप्पणी के लिए चैन के प्रतिनिधियों से संपर्क किया है।